हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक प्रोग्रामिंग टूल की, या ये कहिए कि प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो उसके जो बेसिक टूल्स होते हैं, बेसिक स्टेप होते हैं, उसमें एक बहुत पावरफुल और बहुत यूजफुल टूल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो आज हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। नाउ वी स्टार्ट विद फ्लो चार्ट। तो देखिए, फ्लो चार्ट क्या होता है? सिंपली इट इज़ ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ए प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज वेरियस फ्लो चार्ट सिम्बल्स एंड दियर ऑर्डर बाई कनेक्टिंग दीज विद एरोज। यानी फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें स्पेशल बॉक्सेस यूज होते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस को शो करने के लिए, और उन बॉक्सेस को आपस में हम एरो से जोड़ते हैं। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन गिव ए स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन टू ए गिवेन प्रॉब्लम। मतलब ये एक डायग्रामेटिक सोल्यूशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करने का। आप देखिए, इसके पहले कि हम लोग इसको डिटेल में जाएं, इसको हम बड़े आपको सिंपल लैंग्वेज समझा दें। सपोज कीजिए आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए दो नंबरों को ऐड करना है। सपोज कीजिए आपको सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है, ठीक है। अब सी और ए में आपने दिया से 5, बी में आपने कोई वैल्यू दे दी 7, ठीक है। तो अब इसी को अगर आप फ्लो चार्ट से दिखाएंगे, तो अभी देखिए मैं कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी सिंबल के बारे में आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। तो सिंपली इसको करने के लिए हम क्या करें, हम सिंपली ऐसे लिखते हैं कि भाई पहले हमने लिख दिया इनपुट ए, ए की वैल्यू इनपुट करो, ठीक। फिर हमने कहा नेक्स्ट, हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने ये डब्बा बना दिया। फिर हमने कहा इनपुट बी, बी की वैल्यू इनपुट करो। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऐड कर दो यहाँ पे, ऐड ए एंड बी, और उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ही तो काम होगा ना। तो इसी इसी एक सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल में आपको समझाया है कि ये एक तरह से क्या बन गया, ये फ्लो चार्ट बन गया, ठीक। लेकिन होता क्या है कि ऐसे नहीं कोई भी शेप आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि किस काम के लिए कौन सा शेप इस्तेमाल होना है, किसके लिए स्क्वायर यूज़ होगा, किसके लिए सर्किल यूज़ होगा, किसके लिए पैरेललोग्राम यूज़ होगा, किसके लिए रेक्टेंगल यूज़ होगा, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स में। कि फ्लो चार्ट के सिंबल क्या क्या होते हैं, देखिए फ्लो चार्ट के सिंबल में क्या क्या होते हैं कि इसमें आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि मैं सीधा इधर ही लिख दे रहा हूँ आपको, बार बार वो टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर पैरेललोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पे डाटा लेना है, ठीक। या पैरेललोग्राम के अलावा आप रेक्टेंगल शेप भी यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, डाटा के लिए, या इसको कह सकते हैं डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब कि द डेटा ऑब्जेक्ट ऑफन रिफर टू एज द इनपुट आउटपुट शेप शोज द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम ए प्रोसेस। तो इनपुट या आउटपुट के लिए आप ये शेप यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए आप कौन सा शेप यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इवेंट विच इज कंट्रोल्ड विद इन द प्रोसेस, ठीक है। टिपिकली दिस विल बी ए स्टेप और एक्शन विच इज टेकन। या ऐसे आप सिंपली समझिए कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ये आप रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए, प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए आप क्या दिखाएंगे, इसके लिए आप रेक्टेंगल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि रेक्टेंगल जो है आप यूज करेंगे किसी भी प्रोसेस या इवेंट को शो करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि डायमंड शेप, ठीक है। डायमंड शेप कब यूज़ होता है, जब हमें कोई कहीं पे कोई डिसीजन लेना हो जिसका रिजल्ट हमको यस या नो में चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह का बॉक्स यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज ए रेक्टेंगल विद ए वेव लाइक बेस, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट शो करना है तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन उसका जो बेस है वो, उसको आप
वेव की तरह बना देंगे इस तरह। तो ये सिंबल यूज होता है किसके लिए? डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए, ठीक। उसके बाद बात आती है राउंडेड बॉक्स की। तो राउंडेड बॉक्स मतलब ये आपने बॉक्स बनाया और इसके एंड जो है वो आपने ऐसे राउंडेड कर दिए, ठीक है। तो इसको बल्कि और कायदे से कर लीजिए इस तरह, ठीक है। इसको ये पहले वाले एज को हटा दीजिए, ये ठीक है। तो राउंडेड बॉक्स जो यूज होता है, राउंडेड बॉक्स यूज होता है आपका स्टार्ट और एंड के लिए। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इवेंट विच अकर्स ऑटोमेटिकली, सच एन इवेंट विल ट्रिगर ए सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। तो राउंडेड बॉक्स जो है आपका यूज होता है वो स्टार्ट या एंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, अगर डेटा आपको स्टोर करना है तो स्टोर डेटा के लिए हम ये शेप यूज करते हैं। ये देखिए, दिस शेप इज यूज फॉर स्टोर डेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको मैन्युअली इनपुट करना है कोई डाटा तो मैन्युअली आप इनपुट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये सिंबल यूज करना है, पर दिस इज फॉर मैनुअल इनपुट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अगर आपको डायरेक्ट मैनुअल इनपुट नहीं करना, डायरेक्ट डाटा भेजना है आपको, उसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। एक तरह से सिलेंडर जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे, ये दिस इज फॉर डायरेक्ट डाटा, ठीक। उसके बाद अगर आपको वन बाय वन करके सिक्वेंशियली कोई चीज़, सीरियली कोई चीज़ एक्सेस करनी है, उसके लिए हम ये सर्किल दिखाएंगे और साथ में थोड़ी सी इसकी ये ट्रेल दिखा देंगे ऐसे। तो दिस इज फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज के लिए, तो इंटरनल स्टोरेज के लिए ये सिंबल यूज होता है, आपने ये बनाया, ठीक है। और एक बॉर्डर ऐसे और एक ऐसे, सो दिस इज यूज फॉर इंटरनल स्टोरेज। इसको आप लिख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लो चार्ट में जो सिंबल जिस काम के लिए डिफाइंड है वही हम फ्लो चार्ट जब अभी बनाएंगे किसी प्रॉब्लम का तो वही सिंबल हम यूज करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस जो हम यूज करते हैं, इसमें बॉर्डर हमने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ये सिंबल यूज होता है किसके लिए? प्री डिफाइंड प्रोसेस। जो प्रोसेस प्री डिफाइंड, जो प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइन है उसके लिए, तो ये जो है ये सिंबल यूज होता है। तो ये जो सारे सिंबल हैं ये आपको हमने स्टैंडर्ड वो दे दिया आपका फ्लो चार्ट सिंबल्स का। तो जहाँ पे जिस सिंबल की ज़रूरत होगी फ्लो चार्ट में आप वही सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आप गलत सिंबल यूज़ करेंगे तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे सारे जो है, अच्छा इसमें आप ये जो दो हमने यहाँ पर डाटा और डेटा, ये दो एक काम के लिए हमने दो सिंबल आपके लिए यूज़ किए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिए कि रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इनपुट आउटपुट के लिए केवल पैरेललोग्राम यूज़ कीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर ये अननेसेसरी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम यूज होगा इनपुट आउटपुट के लिए, ये डिसीजन मेकिंग ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए ठीक है, ये स्टार्ट एंड के लिए हो गया, ये डायरेक्ट डाटा के लिए हो गया, ये सिक्वेंशियल एक्सेस के, सारी चीज़ें डिफाइंड हो गई। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग इन सिंबल्स को यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आज हम एग्जाम्पल ले लें कि फ्लो चार्ट का पर्पस क्या हुआ, तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमने बताया है इसका क्या यूज है। अब मान लीजिए हमने कहा, सपोज कीजिए कि कोई सामान हमको भेजना है, ठीक है। तो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने आपको किया कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, फॉर शिपमेंट प्रोसेस फ्लोज, फॉर शिपमेंट
प्रोसेस फ्लो, मतलब कोई सब शिपमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई सामान हम मंगा रहे हैं ठीक है, या कोई सामान हमें भेजना है तो उसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो उसका फ्लो चार्ट कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, या पहले अभी हम आपको, और क्योंकि एकदम से ये लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, अभी हम क्या करते हैं और आसान क्वेश्चन पहले लेते हैं। नहीं तो एकदम से ये, पहले हम एक सिंपलीफाई सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए उसको, इसको बाद में, इसको जो है बाद में करते हैं। हमने कहा कि ड्राई फ्लो चार्ट फॉर ए प्रॉब्लम दैट टेक्स टू वेरिएबल्स एंड एक्सचेंजेस दियर कॉन्टेंट, मतलब क्या हुआ कि हमें वो फ्लो चार्ट बनाना है जो दो वेरिएबल्स को लेता है और उनके कॉन्टेंट को आपस में चेंज कर देता है। मतलब मान ली, सपोज कीजिए एक्स में 3 है, वाई में 5 है, तो हमें वो प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाना है जो हमें रिजल्ट में एक्स में 5 दे दे और वाई में 3 दे दे, यानी ये आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो अब देखिए हम इसको, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये राउंडेड वाला यूज़ किया, किसके लिए, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, हमने लिखा स्टार्ट ठीक। फिर सबसे पहले एक्स और वाई लीजिए, तो एक्स और वाई को हम रीड करेंगे, रीड एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने टेम्पररी वेरिएबल ले लिया और एक्स की वैल्यू उसके अंदर डाल दी, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प के नाम से, टेम्पररी वेरिएबल, जेड भी ले सकते थे ठीक। इसमें हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया एक्स, तो एक्स की वैल्यू टेम्प में आ गई। अब एक्स की वैल्यू जब हमने स्टोर कर लिया टेम्प में, तो एक्स में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू डाल देंगे ठीक। तो एक्स इक्वल टू, हमने वाई लिखा तो वाई की वैल्यू एक्स में चली गई, अब वाई खाली हो गया। अब टेम्प में जो वैल्यू थी वो वाई में डाल देंगे, ये हमने डाल दिया वाई इक्वल टू टेम्प ठीक, और ये हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब देखिए इसको हम जो वैल्यू हमने ली थी उससे समझा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ प्रोसेस, रीड किया एक्स वाई को, तो हमें पता चला कि एक्स में 3 मिल गया, वाई में 5 मिल गया ठीक। अब यहाँ पे हमने टेम्प में एक्स डाल दिया, मतलब टेम्प में क्या आ गया, 3 आ गया ठीक। फिर हमेशा देखिए एक्स की वैल्यू टेम्प में जाएगी, वाई की वैल्यू एक्स में जाएगी, टेम्प की वैल्यू वाई में आएगी ऐसे। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स में गई, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, 5 ठीक। अब टेम्प में जो वैल्यू थी कितनी थी, 3। अब यहाँ पे वाई में कितनी वैल्यू आ गई, 3, और यही काम हमको करना था। तो ये इस प्रोसेस का फ्लो चार्ट हो गया ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें क्या है, जिसमें जो प्रॉब्लम क्या दी हुई है, प्रॉब्लम ये दी हुई है कि ड्रा ए फ्लो चार्ट दैट रीड्स टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड प्रिंट्स द बिगर ऑफ द टू। मतलब क्वेश्चन क्या हुआ कि दो वेरिएबल एक्स और वाई है और हमें इनमें से जो जो ग्रेटर होगा उसको प्रिंट कर देना है, ग्रेटर ऑफ दिस टू इज टू बी प्रिंटेड, ये है प्रॉब्लम हमारे पास, ये प्रोसेस है। तो ये काम कैसे होगा, इसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए स्टार्ट बटन हमेशा लगेगा, बगैर इसके पता नहीं प्रोसेस शुरू, अब यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे एक्स और वाई को, तो ये हमने रीड किया एक्स कॉमा वाई। अब मान लीजिए यहाँ हम कोई वैल्यू दे के चलते हैं, सपोज कीजिए एक्स में 7 है और वाई में 4 है, ऐसे लेके चलिए, तो इसने 7 और 4 रीड कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करना है उनको, यहाँ हम लगाएंगे डिसीजन बॉक्स ये। अब हम यहाँ चेक करेंगे इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो उसने कहा कि अगर एक्स बड़ा, अगर है इफ एक्स इज ग्रेटर ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने लिखा एक्स इज ग्रेटर और ये हमारा काम हो गया ठीक। अगर ये नहीं है
तो फिर हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमने फिर पूछा, अच्छा भाई यहाँ पे अगर एक्स बढ़ा, देखिए ये यस होगा और ये दूसरी ब्रांच नो होगी, बट डिसीजन अगर आप किसी चीज़ का बोलोगे तो इधर यस होगा और नो होगा, तो यस वाला तो इधर चला गया, नो इधर आ गए। अच्छा जब नो आ गए तो फिर हमने पूछा कि अच्छा वाई बड़ा है, इज वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो अगर फिर इसने यस किया, तो यस किया तो हमने यहाँ लिख दिया भाई वाई इज ग्रेटर, काम खत्म हो गया, वाई इज ग्रेटर। और हो सकता है ये भी नो कर दे, समझ रहे हैं, ये यस किया तो ठीक है, नो इसने भी नो कर दिया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रिजल्टेंट क्या हुआ, बोथ आर इक्वल, भाई ना एक्स बड़ा है वाई से ना वाई बड़ा है एक्स से, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, ये आया, ठीक। तो या तो ये रिजल्ट मिलेगा हमको, या ये मिलेगा या ये मिलेगा। अब हमेशा ये ध्यान रखिएगा किसी भी फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक एक ही होंगे, कई नहीं होंगे, कहीं से तीन चार जगह से स्टार्ट हो जा रहा है, तीन चार जगह खत्म हो जा रहा है, एक पॉइंट से शुरू होगा और एक ही पॉइंट। अब यहाँ जैसे तीन पॉइंट है तो इनको मर्ज कीजिए एक में, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उस इन तीनों को एक साथ करने के बाद तीनों में से जहाँ से भी सिग्नल आएगा वहाँ पे हम ये कर देंगे स्टॉप। तो सारे प्रोसेस का ये फ्लो चार्ट बन गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। चाहिए तो एक और अच्छी एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में एक दो एग्जांपल और करा देंगे फ्लो चार्ट के, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।